तो मेरे सहयोगी फरीद अहमद के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधेंगे। हिमांशु लगातार मेरे साथ बने, उनका मैं रुक करूंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, अगर इन 61 सीटों की हम बात करें तो 10 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिराथू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट जो है इस चरण की सबसे हॉट सीट है। यहाँ से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने मैदान में उतारा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सिराथू पहुंचे थे और जमकर जनसभाएं की थी, रैलियां की थी, रोड शो किया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा हुआ है। पल्लवी के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद प्रचार कर चुके हैं, इसलिए ये सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जाति समीकरण के हिसाब से सिराथू में पटेल और मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुनसब अली और कांग्रेस ने सीमा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2017 में ये जो सीट है वो भाजपा के शीतला प्रसाद ने जीती थी और इस बार मैदान में केशव प्रसाद मौर्य, तो ये सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अयोध्या पर लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं। कुंडा ये भी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां से बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मैदान में है। राजा भैया 1993 से लगातार यहां से जीत हासिल करते आए हैं। सपा गठबंधन की तरफ से सीट पर गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। गुलशन कभी राजा भैया के खास रहे, ये भी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात होती है। भाजपा ने सिंधुजा मिश्रा और बसपा ने मोहम्मद फहीम को टिकट दिया है और कांग्रेस ने योगेश कुमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर प्रयागराज पश्चिम, प्रयागराज दक्षिण की हम बात करें तो ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रामपुर खास भी महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ की जो यहाँ पर सीट बताई जा रही है इसमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जगदीशपुर भी महत्वपूर्ण है, मनकापुर भी महत्वपूर्ण है और चित्रकूट भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज अगर हम इन पांचवें चरण की बात करें और इन 12 जिलों की हम बात करें तो 12 जिलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, प्रयागराज और अयोध्या हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य चेहरे हैं, जो बाहुबली हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में पांचवें चरण की जो चुनावी कवरेज है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार चला रहा है। 12 जिले, 61 विधानसभा सीटें और 692 उम्मीदवार, यानी इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। अब देखना होगा कि ये जो 61 सीटें हैं वो किसके खाते में जाती हैं और किसके खाते से और ज्यादा कम होती हुई नजर आती है। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की चुनावी कवरेज लगातार बरकरार है, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह की अगर हम बात करें तो उतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता जो है भारी संख्या में यहां पहुंचेंगे क्योंकि आज का मतदाता पूरी तरह से जागरूक है और अपने मत का इस्तेमाल भी भरपूर तरीके से करना जानता है। अयोध्या से हिमांशु और अनिल तिवारी बहराइच से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तो अयोध्या का अपडेट लगातार आपको हम दे ही रहे हैं। फिलहाल मैं अनिल का रुख करूंगी, बहराइच से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अनिल, बहराइच में कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? ग्राउंड जीरो पर आप बने हुए हैं। जी हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हैं और उत्तर प्रदेश में महासमर चालू है और पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही 7 बजे से ही मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हम ठीक इस वक्त बहराइच सदर विधानसभा में पुलिस लाइन पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार मतदाता घरों से निकल चुके हैं और जिस प्रकार से तमाम निर्वाचन आयोग से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों ने और नेताओं ने जो अपील की थी बढ़ चढ़ के मतदान करिए, उसी के क्रम में लगातार बहराइच में यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है। ये सदर विधानसभा के जो प्रत्याशी क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह। प्रतेज बोलिए। हाँ, नागेंद्र प्रताप सिंह जी। हाँ, आप यहाँ पर आए हैं, क्या है, कैसा माहौल, किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? जी बताइए। बस उत्तर प्रदेश नंबर एक हो हर चीज में, असली मुद्दा ये है। और क्या लग रहा, ऐसी क्या कमियां रह गई कि जिसको आप और देखना चाहते हैं कि बहराइच और भी अच्छा हो, या क्या आपको लगता है किन मुद्दों पे आप वोट करें? जी, बहराइच का जो
जैसे उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर एक हो रहा है, इसे बहराइच भी उत्तर प्रदेश में नंबर एक हो, ऐसा यहाँ के जितने भी। और यहाँ पे देखिए और महिला मतदाता हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ मैम बताइए, मैम क्या नाम है आपका? रंजना सिंह। क्या नाम है मैम? रंजना सिंह। जी मैम आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं, किन मुद्दों पे मतदान करने के लिए आई हैं जी? अरे हम इस मुद्दे पे आए हैं मतदान करने, हमारा लड़का पढ़ लिख के बेकार है, बेरोजगार है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा बेरोजगारी का मुद्दा है आपके लिए, आइए। चेक किए हैं मकान का। अच्छा अच्छा जी 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 हाँ, एक हमारे साथ यहाँ एक युवा मतदाता है जी, बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार मिश्रा। शिव कुमार जी आप किन मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं? इधर आइए। देश का विकास, प्रदेश का विकास, इन मुद्दों पे वोट है जो चल रहा है ठीक ठाक जी। और देखिए और भी नए यहाँ मतदाता हैं यहाँ पर हैं, ये एक और हैं जी, हाँ बताइए क्या नाम है आपका? कृष्णा परवीन जी। आप किन मुद्दों पे वोट करना चाह रही हैं, क्या क्या आपकी मांग है, क्या आपकी सोच है, क्या विचारधारा? इधर देखिए सामने। मेरा वोट देने को भी अच्छी सरकार है और मतदान देते हैं कि आगे बढ़े। जी जी, एक यहाँ भी युवा मतदान। बड़ी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, युवा लोग एकदम पीछे चले गए हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है जी। इस सरकार ने एकदम दिमाग खराब करके रख दिया, वो सब पिछड़ गया है, बिल्कुल पिछड़ गया है। ठीक है, ऐसी सरकार बने जिससे सबका विकास हो, देश का विकास हो। अच्छा, सबका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए मतदाता हैं, अनिल से पूछिए सबका विकास जो है कौन सी सरकार में हो सकता है? और सबका विकास, सबका विकास हमें ये बताइए कि किस किस मुद्दे पे हो सकता है? सबका विकास, सबका साथ, तो एक ही पार्टी का नारा है। हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, सभी पार्टियों का नारा है कि सब विकास ही करेंगे, विकास के दावे करते हैं सारी पार्टियां, विकास के दावे करती हैं। आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं जी, बताइए। हमारे देश का विकास हो रहा है, वो विकास होगा, इसीलिए हम लोग वोट डाल रहे हैं जी। और अभी देखिए और यहाँ पर अभी और कोई मतदाता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आइए इधर आइए, यहाँ क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, आप भीड़ मत लगाइएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो जाएगा, तो एक एक करके पूछिएगा, भीड़ मत लगाइएगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी तरह से उनके साथ रहे और उनकी जो जिम्मेदारी है उनको भी समझे। जी हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। जी पांडे जी, हमें बताइए, सभी पार्टियां विकास के दावे करती हैं और विकास ही उनका मुद्दा रहता है, किन क्या प्राथमिकता है, किन प्राथमिकताओं पे आप वोट आपने किया? जी पांडे जी बताइए, सबका साथ सबका विकास। और क्या मुद्दे रहे आपके जो आपको लगता है कि बड़े शहर में और होना चाहिए? सीमावर्ती जिला है, प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष नजर रहती थी, क्या आप उपेक्षा रहेगी, क्या समझते हैं? जी पांडे जी बताए। गुंडागर्दी कम हो, जी ठीक है ठीक है, धन्यवाद। और भी देखिए हमारे साथ यहाँ पर युवा मतदाता हैं जो बताएंगे। हाँ जी, क्या नाम है, बताइए अपना? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। क्या लगता है कि सभी पार्टियां लगातार अपने दावे करती रहती थी विकास के, उन क्या विकास के दावे ऐसे रह गए या कमियां रह गई? सभी पार्टियां कहती हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब तमाम उनकी बातें रहती थी, किन मुद्दों पे आपने वोट कर रहे हैं, क्या विचार है? जी बताइए। देखिए हम विकास और सुरक्षा के नाम पर अपना मतदान कर रहे हैं जी। इस सरकार में जिस तरीके की सुरक्षा आम नागरिक को मिली है, उस तरीके की सुरक्षा आपसे पहले कभी नहीं मिलती। ठीक ठीक, धन्यवाद। और विकास के नाम पर एम्स, मेडिकल कॉलेज और हाईवेज जो बन रहे हैं जी, उसके जी, नाम पर बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक ऐसे मतदाता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो सारी रूप से विकलांग है, लेकिन उन्हें उत्साह दे सकते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर आए। जी हाँ, क्या नाम है बाबा? अमित पांडे। जी पांडे जी, हमें बताइए, पांडे जी हमें बताइए, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं आप? जी विचार। जी पांडे जी, वोट दिया है प्रत्याशी की ईमानदार स्वच्छ छवि पर और उसके पढ़े लिखे होने पर। बिल्कुल। और क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जो देश आप चाहते हैं कि बड़े और भी विकास करें, क्या सोचते हैं? या प्रदेश में क्या आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार सरकार होनी चाहिए? प्रदेश की सरकार ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों में सुरक्षा दे सके, शिक्षा व्यवस्था पे जोर दे सके, स्वास्थ्य चिकित्सा पे बिल्कुल जोर बिल्कुल दे सके। देखिए इनके साथ में इनकी धर्म पत्नी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर उन्होंने किस मुद्दों पे वोट दिया है, क्या है? जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा प्रीति पांडे। जी हाँ, क्या मुद्दे रहे जो जिन पर आपने वोट किया है और क्या आपको लगता है कि और विकास होना चाहिए थे, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? जी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारे देश को सुरक्षा देना, शिक्षा व्यवस्था सही करना और महिलाओं के प्रति जागरूक होना, उनको समझना, उनकी चीजों को समझना,
जी ठीक है। देखिए जी हम आपको बताएं, देखिए हम बहराइच सदर विधानसभा के सदर बूथ पर हैं, जहां पर ये पुलिस लाइन का बूथ है, जहां पर लगातार मतदाताओं का आना जाना जारी है और 8:47 हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, मतदान को होने में करीब 2 घंटा पूरे होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे ये बूथ है, यहाँ से हम करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, जहाँ पर लगातार वोटर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो कितनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और लगातार वो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और कोरोना नियमों को पालन करते हुए। देखिए हमारे एक यूपी पुलिस का जवान खड़ा हुआ है, वो देखिए कितनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वहन, पूरे अपने दायित्वों का निर्वहन अपने ढंग से कर रहे हैं। जी देखिए यहाँ पर और भी कुछ मतदाता है, अभी बुजुर्ग महिला। अनिल आपने जिन भी मतदाताओं से बातचीत करी उनमें महिलाएं कहीं ना कहीं खुश नहीं है, महिलाओं का कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहराइच के जो पुरुष है वो तो कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट है, 5 सालों से संतुष्ट है, लेकिन महिलाएं संतुष्ट नहीं है, क्या मुख्य वजह हो सकती है? हम बात करते हैं, एक एक बिल्कुल, हम एक महिलाओं से, महिला है, आप उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यहाँ क्या नाम है माता जी आपका? मनोज सरस्वती वर्मा है। क्या आप जो यहाँ सरकार के मुद्दे थे, दावे थे, उनसे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? बहुत खुश हैं, और इन्हीं की वजह से जो हमारा ऐसी बीमारी है जो हम चल रहे हैं। जी हाँ, ये अच्छा ना थे तो हम लोहिया हॉस्पिटल के दवा भी नहीं करवा पाते, किसी तरह से हम वोट डाले बस यही नाम पे आए हैं कि हम बहुत बहुत सब कुछ सही हो रहा है। देखिए हम आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पर तमाम सभी लोग अपने दावे हैं, अपने अपने विचार धारे हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम काफी खुश हैं। और देखिए और कुछ मतदाता यहाँ पर आए हैं, बात करें। जी हाँ, क्या नाम है? उमेश पांडे। यहाँ पांडे जी हमें बताइए किन मुद्दों पे आप वोट करके आ रहे हैं? हमने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। क्या लगता है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं? विकास वाली सरकार चाहते हैं कि जो मतलब विकास करे और भेदभाव न रखे। अच्छा जी, तो क्या इसी सरकार में भेदभाव होता था जो भी सरकार थी? नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता, इस सरकार में केवल विकास ही विकास हुआ है और इसी से ये सरकार कोरोना दोबारा फिर आएगी। जी अच्छा ठीक है। देखिए हम बात करने पर रहे कि यहाँ पर महिला भी हैं। जी हाँ, क्या नाम है मैम? सचिव पांडे भैया। जी हाँ पांडे जी, बताइए मैम क्या क्या मुद्दे रहे जिन पे आपने वोट किया? मैम पहले तो ये सरकार ने मतलब लेडीजों के लिए बहुत मतलब वो किया है, मतलब पहले हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, किसी को कहीं भी जाना हो तो हम निकल सकते हैं, पहले हम लोगों को डर लगता था। देखिए मैम यहाँ पर तमाम महिला मतदाता भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ प्रौढ़ हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने बताया कि सरकार के वो जो वर्तमान सरकार उसके दावे से हम काफी संतुष्ट नजर आए। एक बुजुर्ग महिला ने हमें बताया कि जिस प्रकार से उनको दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं योगी सरकार में, कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आ रही है। कि बहराइच में भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बहराइच में जो ब्राह्मण वोटर्स है वो काफी संख्या में है, मुस्लिम वोटर्स भी संख्या में है, दलित वोटर भी संख्या में है, ऐसे में कांटे बिल्कुल बिल्कुल हम आपको जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहराइच जिले में विधानसभा प्रयागपुर आती है, जहां पर 68% मतदाता ब्राह्मण है, जो कहां पर एनएचआरएम के घोटाले मुकेश श्रीवास्तव को लगातार कड़ी टक्कर देते हुए सुभाष त्रिपाठी दिखाई पड़ रहे हैं। सुभाष त्रिपाठी लगातार वहां पर अभी 2 दिन पूर्व सुभाष त्रिपाठी और मुकेश श्रीवास्तव के समर्थकों के बीच में काफी तगड़ी झड़प हुई थी, जहां पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहां का इलेक्शन काफी टाइट चल रहा है। वहीं हम सदर विधानसभा की बात करेंगे, यहां पूर्व मंत्री डॉक्टर ओकार अहमद शाह के पुत्र यासर जो लगा 2 बार से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपना पाला बदला है। मटेरा जो मुस्लिम बाहुल कही जाती है, उन्होंने सीट को छोड़कर बहराइच सदर विधानसभा में आए हैं और यहां से वो एक समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। यहां के मतदाताओं में काफी उनके प्रति सम्मान दिखता है, क्योंकि जो यासर जो है कहीं ना कहीं वो ऐसे घराने से आते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है, और यासर का ये दांव कितना सफल होता है ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। वहीं उनकी पत्नी मारिया शाह, जहां के 55% मतदाता मुस्लिम है, वहां पर 3 प्रत्याशी मुस्लिम है, सपा से मुस्लिम, बसपा से मुस्लिम और कांग्रेस से भी मुस्लिम। वहां पर अरुणवीर भाजपा के प्रत्याशी अरुणवीर सिंह जो है, उनके उनके परिवार में भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है, उन्होंने तमाम दावे किए हैं कि उनके साथ में लगातार मुस्लिम मतदाताओं का मत है। पिछली बार वो 1600 वोटों से हारे थे, इस बार स्थिति देखने वाली होगी किस प्रकार से वहां पर बीजेपी कर पाते हैं। की टक्कर जो है वो तमाम पार्टियों के बीच देखने के लिए मिल रही है। चलिए ठीक है, आपने साथ बने रहिए, मैं
कुछ देर बाद आपका रुख करूंगी, अयोध्या जाऊंगी मैं। अयोध्या से हिमांशु लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु लगातार बहराई से मेरे सहयोगी बने हुए थे अनिल, उन्होंने साफ तौर पर बताया, मतदाताओं से बातचीत की, वहां के मुद्दे हमने जानने की कोशिश की, मतदाता किन किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं वो, किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन होने चाहिए, ये समझने की हमने कोशिश की है। अयोध्या में ऐसी तस्वीर हम देखना चाह रहे हैं, वहां पर मतदाता ये बताएं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का जो मुद्दा है वो ही सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता है। 2020 में जब भूमि पूजन किया गया तब ये कहा गया कि 2022 में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है, क्या दिखाई दे रहा है वो असर? बिल्कुल साफ तौर पर वो असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से मतदाता जागरूक काफी संख्या में मतदान करने आ रहे, जितने भी मतदाताओं से भी हम तक हमने बात की, उन्होंने विकास एक मुद्दा बताया, लेकिन अगर राम मंदिर की बात की जाए तो वो मुद्दा बड़ा है, राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ के अयोध्या वासियों के लिए बड़ा है, इसलिए विकास तो है ही, और जो मौजूदा सरकार है ज्यादातर लोग उनके कार्यों से खुश है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पुनः वही सरकार बने। अभी तो देखने वाली बात होगी 10 मार्च को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसको प्राप्त होता है, कौन विजय हासिल करके लखनऊ की विधानसभा में बैठेगा जाकर, हमारे कुछ मतदाता भी हम उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, आज आप मतदान करने आई है, किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रही हैं? अगर यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो किस मुद्दे को लेकर, जो मंदिर बन रहा है तो लोगों को रोजगार में भी क्या इजाफा हुआ है आपको लगता है? आप एक गृहिणी है, जिस हिसाब से महंगाई कोरोना काल के महंगाई बढ़ गई, क्या आप जो मौजूदा सरकार है आप उनके कार्यों से खुश हैं? क्योंकि आप एक गृहिणी है, आप आजीविका चलाती, घर चलाती, आपको सब कुछ समझ, बिल्कुल साफ तौर पर बताया, जितनी भी महंगाई जो भी है उसके कार्यों से, और जो मौजूदा सरकार है उनके कार्यों से खुश है, हमारे और भी कुछ लोग हैं। हिमांशु, यहाँ पर अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का इतिहास बताता है कि यहाँ पर गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। जब रामलला के लिए पोशाकें बनती हैं तो वो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, क्या चुनाव में भी ऐसी वो गंगा जमुनी तहजीब देखी जा सकती है? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, जानूंगा कि किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में मतदान कर रही हैं, आप किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करने आई हैं? आप एक मतदान करने आई हैं, कुछ मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, या कुछ साफ तौर पर बताया कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये मतदान करने आई किस लिए, किस मुद्दे को लेकर के ये, लेकिन ये अभी ये समझ नहीं पा रही। और भी हमारे से कुछ मतदाता है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आज हम मतदान करने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर? ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, और जो है बेरोजगारी अच्छी से नियंत्रण हो और विकास होना चाहिए प्रदेश का पूरा। जब से राम मंदिर निर्माण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, कैसे लगातार विकास के कार्य लोग कह रहे चालू है, सरकार कह रही काफी विकास हुआ, तो क्या आप क्या कहेंगे? बहुत विकास हुआ, बहुत यात्री आने लगे और अच्छा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा, रोजगार बढ़ने लगे। तो इस बार आप जो मतदान करने आए सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर आए कि प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण उस पर विकास के नाम पर आए, भगवान के नाम पर आई? बिल्कुल साफ तौर पर बताया, विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन भगवान का राम का नाम भी जरूरी है, भगवान के नाम पे ही मतदान होगा विकास के साथ साथ, और जो काफी मौजूदा सरकार उसने काफी विकास किया, काफी श्रद्धालु की संख्या इस बार बढ़ी है, भक्तों की बढ़ी, जिससे व्यापार में भी काफी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपका रुख करूंगी। अनिल तिवारी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपके पीछे मतदाता थे और काफी उत्सुक थे वो कैमरे के सामने बोलने के लिए, क्योंकि उनके मुद्दे वो चाहते हैं कि हमारे मुद्दे भी ऊपर तक जाएं और देखें कि उनकी क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं को लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब नई सरकार बनाने का समय आ चुका है, आज मतदान है, 10 मार्च का हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये हम आपको बताएंगे, जो बहराइच जिला है ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है, और यहाँ पर विकास की बात की जाएगी तो विकास जिस स्तर का होना चाहिए था उस स्तर का विकास नहीं दिखाई पड़ता, तो कहीं ना कहीं जो विकास के दावे सरकार जो लगातार कर रही है वो बहराइच जनपद में अच्छे से दिखाई पा रहे हैं। हाँ,
केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे मेट्रो कॉलेज और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे उन पे काफी काम हुआ है और लगातार तमाम महिलाओं से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि उनको किस प्रकार से जो सुरक्षा है, जन मसला है। देखिए कि महिला भी यहाँ पर है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर वो कितना मतलब क्या सोचती है। जी हम बात करेंगे। जी नमस्ते। जी हाँ, क्या नाम है मैम? शशिकला। जी मैम, क्या जैसे ये योगी सरकार के बहुत से दावे थे कि विकास हम करेंगे और यहाँ पर ये पूर्वांचल का ये जिला है बहराइच, यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टिप्पणियां हुआ करती थी और 5 बार से लगातार विधायक को हरा कर भाजपा की प्रशासन यहाँ पर मंत्री बनी थी और आखिर में उनको एक आरोप के तहत उनके भ्रष्टाचार को हटा दिया गया। ऐसे में आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या प्राथमिकता होगी, बताइए। जो हम जिस सरकार में हम चल रहे योगी मोदी सरकार, तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार को हटा रही और हम विकास को मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान कर रहे हैं। हम सुरक्षित हम रोड के चलते हैं, सब निश्चिंत होकर चलते हैं कि मेरे साथ कोई भी घटना नहीं। इससे पहले का हम जो ट्रैफिक हो रहा है और काम होने के बाद हम कहीं निकल ही नहीं पाते। देखिए हम आपको देखिए यहाँ पर जो एक महिला हमें वोटर मिली जो डाल कर आई है, उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार जो सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी उसमें कहने हम सुरक्षित नहीं रहते थे। इस सरकार में उन्होंने सुरक्षा का मेन बात बताई है और उनका विकास तो होगा ही होगा, क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष नजर। आपको मैं एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री कार्यालय के 7 जिले जो यूपी के 7 जिले हैं उनमें से बहराइच से श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और कौशाम्बी है, ये उन 7 जिलों में से बहराइच जिला है, काफी हाईटेक जिला है। आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमओ की विशेष नजर इस जिले पर रहती है और लगातार यहाँ पर गतिविधियां पीएमओ कार्यालय की बनी रहती हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं लगातार मतदाता आ रहे हैं, देखिए ये लगातार जो महिला मतदाता हैं और ये सब मतदाता आते ही जा रहे हैं।